नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त पी कुमार पवन एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल एस्क मी एनीथिंग। दोस्तों फिर से एक बार मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है 2019 का वर्ल्ड कप के बारे में टॉपिक है। जी हाँ दोस्तों, एक एक्साइटमेंट भरा टॉपिक, क्या होगा, इंडिया वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं जीत पाएगा, ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन, कौन मैन ऑफ द मैच होगा, कौन मैन ऑफ द सीरीज होगा, कौन बेस्ट बॉलर होगा, कौन बेस्ट परफॉर्मर होगा, इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन। और बहुत बड़ा टॉपिक यह है कि इंडिया 2019 का वर्ल्ड कप जीत पाएगा या नहीं। जी हाँ दोस्तों, सभी जो टीम है उन लोगों का सिलेक्शन हो गया है, कौन वर्ल्ड कप में खेलेंगे और क्या होगा, हमारा जो विराट कोहली का वाहिन है वो वर्ल्ड कप ले पाएगा या नहीं, इसी बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन well, he's gone for it as well. A ball in. Oh, this is a terrific shot. Lewis sweep. Down the pitch he goes. Doesn't get hold of it. He finds Ponder and Archie Smith. Wow, 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 wow. That's gone a lot. Oh, that looks like a big one. Yes, it is. Somebody will catch it in the crowd. There's another one. It's flatter, but once again, it's gone into the stands. Oh, gone. Yes. It's the Bony Jadeja combination yet again. Oh, he's got that away as well. It's a wonderful end to the over for Bangladesh. All right, so it's going to be a six. Going for six. He tees off on it. Hey friends, ये था एक ट्रेलर। उम्मीद है कि इस 2019 का वर्ल्ड कप बाकी सभी वर्ल्ड कप से बहुत खास और इंटरेस्टिंग हो। फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में होने वाला है, जो कि 30 मई 2019 से शुरू होके 15 जुलाई 2019 में ख़त्म होगा। जी हाँ दोस्तों, 45 दिन तक 10 क्रिकेट प्लेइंग नेशन अपने आप से लड़ेंगे, टकराएंगे 2019 का वर्ल्ड कप को अपने सर पे पहनने के लिए। दोस्तों इस 2019 वर्ल्ड कप का पहला मैच लंदन शहर का ओवल क्रिकेट ग्राउंड में शुरू होगा, जो कि इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका के बीच में होगा और जो फाइनल मैच है वो लॉर्ड्स में ही खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड कप को मिला के इंग्लैंड और वेल्स में फिफ्थ टाइम वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है, जो कि 1975 में पहली बार वर्ल्ड कप खेला गया था, उसके बाद 1979, 1983, 1999 और अब 2019 में वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है। इस वर्ल्ड कप में पहली बार ये होगा कि 12 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशन से 10 क्रिकेट प्लेइंग नेशन क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलेंगे और बाकी जो दो टेस्ट प्लेइंग नेशन इस वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इस वर्ल्ड कप में सिंगल ग्रुप होगा और एक टीम बाकी 9 टीम से लड़ने के लिए मैदान को उतरेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि और इस 10 टीम से टॉप 4 टीम के बीच में नॉकआउट मैच खेला जाएगा, यानी कि सेमीफाइनल और फाइनल मैच। फ्रेंड्स, 2019 वर्ल्ड कप का दौड़ में 26 टीम थे, उनमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज़ और अफगानिस्तान क्वालिफाइड कर चुके हैं, लेकिन जिम्बाब्वे, आयरलैंड, पापुआ न्यू गिनिया, नेदरलैंड्स, हांगकांग, स्कॉटलैंड, केन्या, नेपाल, नामीबिया, मलेशिया, कनाडा, यूएई, ओमान, सिंगापुर, उगांडा और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने क्वालिफाइड नहीं कर पाए। दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि इस वर्ल्ड कप में कुल मिला के 7 बार डे नाइट मैच होगा और इंडिया 2019 वर्ल्ड कप का पहला मैच साउथ अफ्रीका का विरुद्ध जून 5 में साउथहैम्पटन पर खेलेगा। और सबसे बड़ा बात यह है कि पहली बार इंडिया इंग्लैंड में ही 1983 में वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हासिल किया था,
तो दोस्तों फिर से एक बार उम्मीद है कि इंडिया 2019 में खेले जाने वाला वर्ल्ड कप को जीत के फिर से एक बार इतिहास का अपने नाम करेगा। तो ये था डिटेल्स में 2019 का वर्ल्ड कप के बारे में। लेकिन अभी चर्चा करेंगे इंडिया कौन सा दिन कौन सा क्रिकेट ग्राउंड में किसके साथ मैच खेलेंगे। तो चले शुरू करते हैं उन बारे में। फ्रेंड्स, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इंडिया का पहला मैच जून 5 को है साउथ अफ्रीका के विरुद्ध साउथहैम्पटन पर। अगला मैच दोस्तों 9 जून को ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। 13 जून को न्यूजीलैंड के विरुद्ध नॉटिंगहम में खेला जाएगा और 16 जून को चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के विरुद्ध खेला जाएगा जो कि मैनचेस्टर पे खेला जाएगा और 22 जून को अफगानिस्तान के विरुद्ध साउथहैम्पटन पर खेला जाएगा। उसके बाद 27 जून को वेस्ट इंडीज के विरुद्ध मैनचेस्टर पे खेला जाएगा। 30 जून को इंग्लैंड के विरुद्ध बर्मिंघम में खेला जाएगा। 2 जुलाई को बांग्लादेश के विरुद्ध खेला जाएगा जो कि बर्मिंघम में ही खेला जाएगा और 6 जुलाई को आखिरी लीग मैच श्रीलंका के विरुद्ध लीड्स पे खेला जाएगा। तो दोस्तों ये था वर्ल्ड कप के बारे में डिटेल्स और इसी के साथ मैं आप लोगों को इंडिया का टाइम टेबल शेड्यूल्स बारे में भी डिटेल्स बता दिया। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट चीज़ रह गया कि इंडिया किस स्ट्रेंथ के ऊपर इस वर्ल्ड कप को जीत सकता है। उस चीज़ को जानकारी लेने के लिए आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहिए। तो इसी के साथ मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और जाने से पहले आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग फुटेज दिखा रहा हूँ तो आप लोग देखें और एंजॉय करें। धन्यवाद। Does go straight up in the air. Will it be taken? It's taken. He advances. He goes in the air. There is long off. He can only watch it go over his head. The final over. They need 4. Well, you might as well hit it for 6. MS Dhoni, the skipper, has done it. India have made the semi-finals of the... Bowled him. He just knows what he's doing, Shane Watson. He has a gut feel about the batsman. And Australia have 2. Is it a glove on that? I think there is a glove on that. Given. Watson has another. Catch it. Has he timed this well enough? Yes. Well, that's a gift. And he accepts it gracefully, Yuvraj Singh. Will he get there? Well, it seems like he does and he's cleaned the catch. Oh, take him off. He's gone. Decision is out. And there it is. That's the thing about Yorkers. Oh, straight up. Should be Dhoni's. And it is. Another one. There's a sweep. Is there another dummy? Yes. He's given him. So just like it was for New Zealand, a wicket early on in the piece. What a stamping chance. He takes it. Down edge, another wicket. Oh, this is a terrific shot. River sweep. Pulls off a scorching catch. Oh, over they go. And the final act as Ken. Catch! Hard hand and the ball is carried. What a catch this is. Brilliant stuff, Dad. There he goes for McGee. Oh. It's away. No one at deep mid wicket. And he gets the runs. This might run away to the boundary. This. Will fall short, will it? Oh, it's a, has he taken it? If he has, it's a brilliant, brilliant catch. Pace again. It gets the top edge. It should be taken. I think it's Kohli getting underneath it. In fact, it's Jadeja. This might be out. Taken comfortably. That's a good catch in the deep. Virat Kohli, the catcher. Oh, that looks like a big one.
Oh, it's gone a long way up. This will take some catching. Extra cover, mid-off. Has he taken it? Yes, he has. Oh, Balaam, too quick for the left-hander in his played on. Got him again. Once again, the extra pace. Inside edge, onto the stumps. Catch it! Right, that's in the air, but might go beyond for six. Long leg looked interested. Oh, he's in control of that. That is Jubrat Singh at his imperious best. Oh, gone. Yes. It's the Dhoni-Jadeja combination yet again. Up in the air. Fine leg, sets himself, should take the catch. Does take the catch. And again, the full delivery. Best. Fielder in the deep, fielder in the deep. He will take complete the catch. This is just the wicket that Pakistan needed. Someone turn the volume off at the Eden Gardens. And there's the 50 of Virat Kohli. Dhoni special. One run needed. There's the run. So many times with Dhoni hitting the winning runs in a crucial game. And we have the result of the India-Pakistan match. Virat Kohli, 55 not out. He's bowled him. Oh, they've all gone up, and so too has the finger. That might be very close. Yes, it is. Herath strikes. Now we're going big this time. Stanek Zaya, the captain. Good crunch. Yeah, it goes wide of the off stump, but he latches onto it. And there is Rohit Sharma with his first six. Oh, that could be a no ball. That has disappeared. He's gone. Through him. Look at the 17-year-old. Goes down. In fact, it's Jadeja.